सारे दर्शक हैं जो आपके वीडियो के नीचे कमेंट करते हैं कि अवनी कौन है, प्रधानमंत्री मोदी की बेटी है, क्या है, बहुत लोग जानना चाहते हैं। ये मैं बहुत पहले भी क्लियर कर चुकी हूँ, आज भी सब लोग जानते तो सब कुछ है, लेकिन आप लोग हर बार मेरे मुँह से ये सब चीजें, तो कम भी नहीं है, ये सब चीजें बुलवाते रहते हो। मैंने जो स्टेटमेंट दी थी, मैं उस स्टेटमेंट पे आज भी कायम हूँ और बहुत ही प्राउड के साथ मैं वही स्टेटमेंट वापस दोहराती हूँ कि जी हाँ, मैं मोदी जी की बेटी हूँ और सिर्फ मैं ही नहीं, इस देश की हर लड़की मोदी जी की बेटी है। चलते चलते आखिरी सवाल, पद्मावती पे क्या कुछ कहना चाहेंगे, अवनी का क्या? मैं संजय लीला भंसाली जी की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, मैं बचपन से उनका सिनेमा देख के बड़ी हुई हूँ, वो भी गुजराती है, मैं भी गुजराती हूँ, कि एक स्पेशल एक मेरा ना सॉफ्ट कॉर्नर है उनके लिए। तो मैं भंसाली जी की हर एक फिल्म के लिए ये चाहती हूँ कि वो एक अपना बेंचमार्क सेट करें इंडस्ट्री में। और इतना ही नहीं, जब भी ये फिल्म के लिए कॉन्ट्रोवर्सीज न्यूज़ में आती है, सो आई फील रियली नो सैड के बिना फिल्म को देखे, बिना फिल्म को आपने नो स्क्रिप्ट तक नहीं पढ़ी है, सेंसर ने अभी तक कुछ अप्रूव नहीं किया है, तो आप जजमेंटल कैसे हो सकते हैं? आई सॉ सर्टेन वीडियोज़ वेयर मिस्टर भंसाली सेइंग वेरी पोलाइटली दैट देर आर नो यू नो सीन्स जहाँ से कॉन्ट्रोवर्सी आप क्रिएट कर सकते हो बिटवीन दीपिका एंड रणवीर एंड व्हाटएवर द कैरेक्टर पद्मावती एंड अलाउद्दीन खिलजी। सो व्हाई जस्ट टू यू नो गिव दैट नेगेटिव इंप्रेशन ऑन एनी सच अ ब्यूटीफुल प्रोजेक्ट। तो आप सपोर्ट कर रहे हैं संजय लीला भंसाली? एनी टाइम 100%। तो करनी सेना वाले कल आपके खिलाफ भी मैं उनको यही बोलना चाहती हूँ कि आप मूवी देखिए, जो संजय जी खुद बोल रहे हैं, मूवी देखिए, उनको जिस चीज से आपत्ति है, मीडिया के सामने क्यों ये बोलेगा कि आप जिस सीन को लेके विरोध दर्शा रहे हैं वो मेरी फिल्म में नहीं है? इतना क्लियर स्टेटमेंट अगर मीडिया के सामने कोई बोल रहा है तो वो झूठ क्यों बोलेगा, नंबर वन। नंबर टू, आपको जिस सीन से आपत्ति है वो अगर क्लियर आपको बताया गया कि वो फिल्म में नहीं है, तो फिर आप प्री जजमेंटल होके क्यों आप उस चीज़ पे विरोध करें? हाँ, देखिए फिल्म, फिर आपका रिएक्शन लेके आइए।